आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं अपना ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी थोड़ा सा मौका पा गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ अपना मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे सिंपल सा मेकअप करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने वाला एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे हमारा ब्लॉग देखना तो दोस्तों, सब लोग जो है रेडी हो गए हैं, बस हम ही बचे थे। तो सोच रहे हैं चलो फटाफट जल्दी से अपना मेकअप कंप्लीट कर लें। और आज मैं सूरन का कोफ्ता बनाई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हमारे मुंह में जो है यहाँ पे छाले हो गए हैं, तो इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों अधिकतर हो ही जा रहे हैं, पहले नहीं होता था लेकिन अब होना शुरू हो गया है। तो चलो कर लेते हैं मेकअप। और तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, टोनर। कान में एकदम छोटा सा पहना है तो क्लीन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। इससे हम सारे सामान को अपने बैग में रख लेते हैं। यह है मेरा मेकअप बैग, तो आप लोग देख सकते हैं यह हमारा सिंपल सा मेकअप। तो हम तो कैसा लगा बताएगा जरूर कमेंट में। आज मैंने हल्की वाली लिपस्टिक लगाई है तो अच्छे लग रहे हैं ना। अपने मुँह अपनी ही तारीफ कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो अब इसके बाद अपने बच्चों को भी रेडी कर दें, उन्हें भी तैयार करना है, नहीं तो सब लोग जो है बोलेंगे कि अभी तक बच्चों को रेडी नहीं किया, कम निकलोगी। 3:30 हो गए हैं, तो चलो लोगों को तैयार करते हैं क्योंकि वो हमारे जो बच्चे लोग हैं ना उस घर में सो रहे हैं, नए वाले घर में सो रहे हैं और हम जो है पुराने वाले घर हैं। तो दोस्तों वीडियो को हमारे शुरू से लास्ट तक देखना, मिस मत करना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाभी के ब्लॉग में क्या क्या है। हाँ, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी भी बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? सुगरन का कोफ्ता देख लीजिए भाभी किस तरीके से बनाती हैं सुगरन का कोफ्ता। अगर पसंद आए तो ट्राई करना, ठीक है? चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? बाय दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कोफ्ता बनाने के लिए मैंने जो है सूरन ले लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में जो है कट कर लिया है। अब इसको हम उबालेंगे, तो सबसे पहले हम इसे साफ पानी से धुल लेते हैं ताकि जो इसमें धूल मिट्टी वगैरह पड़ी रहती है वो निकल जाए। और इसके बाद जो है मैं कुकर में डाल के उबाल लूँगी। एक सीटी आने के बाद जो है मैं कुकर को बंद कर दूँगी, ठीक है? तो चलो इसको हम डाल देते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने सारे मसाले लिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीरा है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, नमक है। और इसमें मैंने सब्जी मसाला और इसका पेस्ट बनाने के बाद जो है इस मसाले में डाल के इसका अच्छे से घोल बनाएंगे और उसके बाद जो है बनाना शुरू करेंगे। तो ये आप लोग ध्यान से देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है? ये गरम मसाला खड़ा,
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सूरन है वो पक के तैयार हो गया है। अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसमें जो है सारे मसाले मिक्स कर दूंगी। सारे नहीं, सिर्फ अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च, यही जो है इसमें मिक्स करूंगी। और दोस्तों इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो दोस्तों बेसन का मतलब यही होता है कि जब हम इसमें जो है बेसन डाल देते हैं, क्योंकि ये गीला रहता है ना, आप लोग देख ही रहे हो, तो बेसन डालने से थोड़ा सा सूखा हो जाता है, तो इसका जो कोफ्ता है बहुत ही आसानी से बनता है। तो इसलिए जो है बेसन हम इसमें डाल रहे हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों उम्मीद तो हमारी हमेशा यही रहती है कि आप लोग के साथ जो है अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करते रहें और आप लोग भी पसंद करते भी हो, और लाइक तो करते रहना यार, लाइक करने से दिल खुश हो जाता है, क्योंकि लाइक जब आप लोग करते हो तो मुझे यही पता चलता है कि हमारा वीडियो इनको पसंद आया, तभी तो एक लाइक किए हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, भले ही लास्ट में लाइक करना या फिर शुरुआत में लाइक करना, लेकिन लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो थोड़ा सा गर्म था ना, तो मैं जो है इसे हाथ से नहीं मिला रही हूँ, कुछ इस तरह से मिला लूँगी। तो दोस्तों चलो मिला लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल हमारा गरम हो गया। तो दोस्तों हमने राई का तेल डाला है, यानी सरसों का। सरसों के तेल में अगर आप कोफ्ता बनाते हैं सूरन का तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पे देखो हम बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तेल हमारा गरम हो गया था ना, तो अब इसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे कर दिए हैं ताकि जो हमारा कोफ्ता है ना आराम से पके, जले ना। जल्दबाजी किस काम की, जब हम बना रहे हैं तो अच्छे से बनाए ना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका जो सूरन का कोफ्ता है वो बिगड़ जाएगा, और अगर आप अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे तो जो है वो आपका सूरन का जो कोफ्ता है ना बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। दोस्तों जो जो लोग भी खाएंगे, आपके परिवार के सदस्य आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। तो यहाँ पर देखो हम आप लोगों से बातें करते रहें और हमारा जो सूरन का कोफ्ता है वो पक भी गया। तो दोस्तों अब चलो इसे हमें के जो है थाली में निकाल लेते हैं सारे कोफ्ते को, और इसी तरीके से और भी हम बना लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सूरन का कोफ्ता है बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब चलो इसके जो है रस की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हम कोफ्ता बनाने के लिए सारे मसाले को हमने पीस लिया है। दोस्तों बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि जो लाइट थी ना वो कट गई और मुझे जो है सिलबट्टे पे पीसना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैं आप लोग के साथ वो सीन नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि जो है कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, और मैं ट्राइपॉड यहाँ से लेके गई नहीं थी, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसलिए जो है मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और किचन में रहता है तो किसी का टेक लगा देते हैं, लेकिन वहाँ किसका टेक लगाएंगे, तो इसलिए जो है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो दोस्तों अब जो है मैं सारे मसाले को भून लेती हूँ। जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाना कि आपका जो मसाला है ना पक चुका है। तो दोस्तों हमने गैस को भी मीडियम फ्लेम पर ही किया है, क्योंकि अगर आप मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनेंगे तो आपके जो मसाले हैं ना बहुत ही अच्छे से पकेंगे। तो इसके बाद देखो मैंने सारे कोफ्ते को इसमें डाल दिया था दोस्तों, और डालने के बाद जो है वैसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तैयार था। सिर्फ जो है जो कोफ्ता है, सॉरी मैंने आलू बोल दिया क्या सूरन का जो कोफ्ता है ना बस वही डालना था, क्योंकि रस जो जूस है इसका उसे ही थोड़ा सा पकाना था, करीब जो है 5 मिनट तक। बाकी इसके बाद इसमें डाल के अब इसे हम ढक देंगे। तो दोस्तों देखा ना आपने कितना आसान है सूरन का कोफ्ता बनाना, हमारा बनके रेडी भी हो गया और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि हम क्या बताएं। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाभी का हाथ का बना हुआ रेसिपी, प्लीज़। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम जो है प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं, और चाची लोग मुझे कार तक छोड़ने आते हैं। जब भी हम जो है आते हैं, मतलब जाने लगते हैं, तो सभी लोग जो है मुझे पहुंचाने के लिए आते हैं कार तक। तो हमने सोचा चलो छोटी सी क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों मैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो मेरा ब्लॉग है ना बहुत ही पुराना ब्लॉग है, करीब जो है 2 हफ्ते हो गए हैं। तो आज जाके मुझे मौका मिला, मैंने सोचा चलो एडिटिंग करके डाल दें, अगर इस ब्लॉग को नहीं डालें
डालते तो आप लोग यही बोलते कि भाभी आप प्रियादीप के घर से सीधा जो है प्रयागराज आ गई, अपने ससुराल नहीं गई, अपने सासू माँ के पास नहीं गई, तो इसलिए इस ब्लॉग को डालना बहुत जरूरी था। अरे बाय कर लो, दिख रहे हो, बाय कर लो, लग गई तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारे अभय सो गए हैं, और जो है पता नहीं कार कहाँ रुकी है, मुझे इस जगह के बारे में मालूम नहीं है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सबसे छोटे वाले चाचा जी आए हुए हैं साथ में, तो इसलिए हम जो है बात नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों से। प्लीज़ आप लोग जो है बुरा मत मानना। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि मेरे मुँह में छाले भी हुए हैं, और बात करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ओठ तो चिपकेंगे ही, आपको पता ही है कि बात करते टाइम जो है दोनों ओठ जो है चिपक जाते हैं, तो और इसलिए दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको डिफरेंट नज़र आएगा मेरे ओठ में, ये ऊपर की साइड जो है फूला हुआ है, ये देखो कुछ इस तरह से देख रहे हो ना आप लोग। तो दोस्तों पहले मुझे ऐसे नहीं होता था, पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा होने लगा है, तो क्या करें यार, बहुत दर्द हो रहा है। और कौन सा मार्केट है मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, अभी टाइम भी हो रहा है, बज गए हैं 5:30 हो रहे हैं, और हम लोग जो है 3:30 से निकले हुए हैं घर से, और 5:30 अभी हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर रुकी हुई हूँ। तो जानवी भी गई हैं, और मेरे देवर जी पति जी सब लोग गए हैं, बस मैं और अभी जो है ये देखो कार में बैठे हुए हैं। गाइज टाइम हो रहा है जो है बज गए हैं 7 बज गए हैं, और मैं पी रही हूँ चाय। एक कूलर देखो कितनी अच्छी है ना इतनी बड़ी सी है कूलर, है काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो चल रहे हैं चाय पियेंगे, हो सकता है थोड़ा सा सूजन मेरा कम हो जाए, नहीं कर पा रही यार, दर्द काफ़ी ज़्यादा है, चलो पीने के बाद ही बात कर पाएंगे। अंधेरा भी हो गया है काफ़ी, बस हम लोग जो है पापा मम्मी रुके हुए हैं, और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे रूम पे, पता नहीं आधे घंटे कितना टाइम लगेगा, लेकिन पापा मम्मी हैं तो यहाँ पे जो है पी रहे हैं कुल्हड़ में चाय। चाय पीने के बाद हम जो है हम लोग निकल जाएंगे और पहुँच जाएंगे रूम पे। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, बाय।